पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। आज हम झाजी के विश्लेषण में चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का। दो मल्लाहों की लड़ाई में मुजफ्फरपुर में भी फंस गया है पेच, रोचक हो गया है वहां का मुकाबला। तो अब हम सीधे जुड़ते हैं झाजी से और जानते हैं इसके पीछे की बात। झाजी, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सबसे तो महत्वपूर्ण बात है, जो जिस राजभूषण को अजय निषाद ने हराया था जी, उसी राजभूषण को इस बार टिकट बीजेपी ने दिया है जी, अजय निषाद को हटा करके जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जिससे अजय निषाद हारे, आज वही उसी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है जी। और जहाँ तक अजय निषाद की बात कहें, तो एक सुनते होंगे जो पैतृक संपत्ति जी, पैतृक चीज, इसका ही पैतृक सीट है जी। अजय निषाद के पिताजी 4 बार वहाँ से MP रह चुके हैं जी। उसके बाद 5वीं बार अजय निषाद हुआ जी, 6ठी बार की दौड़ में शामिल है जी। तो पैतृक संपत्ति तो लोग सुने होंगे, पैतृक सीट, यही सब सीट को लोग कहते हैं पैतृक सीट। हाँ, तो क्योंकि इनके पिताजी कैप्टन जनरल निषाद थे, विभिन्न पार्टियों से टिकट ले लेकर वहाँ पे वो जीते रहे, क्योंकि मल्लाह का वोट वहाँ पे काफ़ी है वहाँ मल्लाह का वोट। और कहें तो जो वहाँ का रिकॉर्ड है वो आप उठा के देख लीजिएगा, तो निषाद ही, अब जैसे 2014 में देख लीजिए, संजय निषाद वहाँ से बीजेपी से थे और अभी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अखिलेश सिंह, वो कांग्रेस से थे, और दोनों में लगभग अंतर था 2.25 लाख के का अंतर था, वोटों का अंतर था। फिर उसके बाद 2019 में अजय निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया और VIP से, मतलब मुकेश सहनी की पार्टी से, राजभूषण चौधरी लड़े थे, उस समय अंतर हुआ 4 लाख का, मतलब निषादों ने जम के वोट किया। अब सबसे मेन चीज़ है, जो वहाँ पे 6 विधानसभा है, 6 में से मतलब एक और 2 पर RJD का कब्जा है जी, 1 पे JDU का कब्जा है जी, 2 पे BJP का कब्जा है, 1 पे कांग्रेस का है जी। तो 2, 2, 4, 1, 5 करके है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे कहें इक्वेशन तो बराबर है, क्योंकि दोनों के लगभग BJP और JDU और BJP 3 तो इनके हो गए जी, और 3 उधर से हैं, मतलब तो बराबरी का मुकाबला है। हाँ, बराबरी का मुकाबला है। वहाँ सवर्ण मतदाता जो है वहाँ का जो वोट डिसाइडिंग करता है वो भूमिहार जी वोटर। निषाद तो आप दे दिए दोनों पार्टी से, निषाद का वोट बटेगा जी, लेकिन जिस पर पड़ जाता है सवर्ण वोट, भूमिहार, ब्राह्मण, कुशवाहा, वो जिसको वोट कर देंगे जी, वो उनकी जीत तय है। तो आप देखते होंगे जो हर बार से वहाँ पे जो NDA हैं या उनके घटक दल हैं वही वहाँ से जीते आ रहे हैं जी। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ का भूमिहार वोट या फॉरवर्ड वोट कह लें। यादव वहाँ का आ रहा है जो 2 लाख हैं जी वोटर, ये एक आंकड़ा है, मतलब संभावित आंकड़ा है, मतलब ये अनुमानित आंकड़ा है, क्योंकि प्रतिशत में लोग हैं। मुस्लिम भी 2 लाख है, वैश्य भी 2.25 लाख है। इसीलिए आप देखते होंगे मुजफ्फरपुर टाउन के जो विधायक हैं, जो कहें कांग्रेस के जो विधायक है वीरेंद्र चौधरी, वो वहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं जी। और एक चीज़ जान लीजिए, जो BJP के मतलब NDA से कुछ लोग नाराज हैं, जैसे सुरेश शर्मा वहाँ के विधायक हुआ कर मंत्री भी बने जी, वो BJP उनको तवज्जो नहीं दे रही है जी, और BJP का एक गुट जो है उनसे नाराज है जी। तो इसलिए सुरेश शर्मा का एक्टिव ना होना भी जी एक कारण हो सकता है BJP के बैकफुट पे आने का। दूसरा, एक कांटी के एक विधायक हुआ करते थे नीतीश कुमार की कैबिनेट में, पहली बार 2005 में वो मंत्री भी बने थे जी, अजीत कुमार जी। अभी वैसे वो ना MLA हैं ना MLC हैं। अजीत कुमार BJP में ज्वाइन किए थे, इंडिपेंडेंट से BJP में ज्वाइन किए थे जी, सीट की ही लालच में, टिकट के ही लालच में, लेकिन उनकी मनसा थी वैशाली में लड़ने की, वो वहाँ से उनको नहीं मिला, क्योंकि वैशाली में कांटी आता है जी। तो वैसी स्थिति में अजीत कुमार भी नाराज़ हैं, अजीत कुमार अच्छे खासे वोट लाते हैं वहाँ पे कांटी में, उनकी अच्छी पकड़ है जी। कांटी में उनकी अच्छी पकड़ है, और मतलब अजीत कुमार रहते मुजफ्फरपुर में भी है और कांटी में भी जी, और भूमिहार जाति से आते हैं, तो उनकी अच्छी पकड़ है वहाँ पे कांटी में। वो जो क्या कहें, तो बिजली यूनिट है उसके वो यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे झाजी, एक मेरे मन में एक प्रश्न था कि इस बार BJP ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि लगातार
बीजेपी के ही खेमे से अजय निषाद लगातार दो बार से वहां से जीत रहे थे। दो बार नहीं, एक ही बार जीते हैं 19 में। अजय निषाद एक ही बार जीते हैं 2019 में, और 2014 में संजय निषाद जीते थे। फिर अजय निषाद के पिताजी चार बार वहां से जीत चुके हैं बीजेपी। हो सकता है अजय निषाद कुछ कारणों से ऐसा बयान कभी दे दिया हो, या मतलब उनसे, या बीजेपी की अपनी टीम होती है ना जी, सर्वे करवाती है जी, जो किस एमपी का क्या रिपोर्ट कार्ड है जी, उसमें अजय निषाद पिछड़ रहे होंगे। किसने कितना काम किया, हाँ किसने कितना काम किया। अब काम तो सही में मुजफ्फरपुर एक जमाने में नाम उसका होता था लहठी उद्योग जी। शादी ब्याह में लोग कहीं से भी पूरे बिहार से लहठी खरीदने के लिए मुजफ्फरपुर जाते थे। मुजफ्फरपुर जाकर के मतलब लड़की की शादी में लड़की पक्ष के लोग जाते थे मुजफ्फरपुर लहठी खरीदने के लिए। अब वो लहठी उद्योग बंद होने के कगार पे है जी। लीची को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना लीची वहाँ नहीं उसको बहुत मिलता है। ऐसे भी मुजफ्फरपुर का लीची काफ़ी फेमस हुआ करता है। फिर उसके बाद हाँ जाता है मतलब मुजफ्फरपुर का लीची पैक होकर के बिहार सरकार भेजती है, मतलब राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी जाता है। तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची का नाम है, लेकिन उसको जिस हिसाब से उसको उसका व्यापारीकरण होना चाहिए, उसके बागवान के जो मालिकान हैं या उसके मजदूर हैं उनको जितना हक मिलना चाहिए, जितना रेट मिलना चाहिए, उसके लिए कोई एमपी आज तक प्रयास नहीं किया। हमको लगता है जो संसद में भी आज तक इतने सांसद हुए होंगे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई होगी लीची उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, लहठी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। एक वहाँ पर बागमती परियोजना है, क्योंकि मुजफ्फरपुर का कुछ इलाका ऐसा है, गायघाट, औराई और सीतामढ़ी से सटा हुआ इलाका, जो बाढ़ के समय में डूबा रहता है जी। तो वो उस इलाके के लिए भी कोई कोई काम नहीं जी। मतलब एक ज़माने में हम भी मुजफ्फरपुर दो साल रहे हैं, मुजफ्फरपुर टाउन को टच कर जाता था बाढ़ का पानी, मुजफ्फरपुर शहर को छूता था। तो मतलब कहीं कोई मतलब उदासीनता और लोग प्रत्याशी से, लेकिन एक चीज़ है, इतना सब होने के बावजूद भी प्रत्याशी है गौन, अब प्रधानमंत्री का चेहरा है आगे जी। प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोग वोट देंगे, देते आए हैं, तो इसीलिए ये कहना नहीं सही होगा। जो जो अजय निषाद वहाँ पे के सिटिंग सांसद हैं तो वो कांग्रेस के हैं, तो वो बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि राजभूषण चौधरी के पीछे बहुत बड़ा संगठन है बीजेपी, नीतीश कुमार, बिल्कुल बीजेपी और नीतीश कुमार, तो इस संगठन के तौर पे राजभूषण चौधरी को लोग आगे करेंगे। ठीक है अजय निषाद कुछ वोट खींच लें, और अजय निषाद के साथ मुकेश सहनी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, तो वैसी स्थिति में अजय निषाद कागज पे, दो चार दिन पहले नमन जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी जी। तो वो बोल रहे थे जो कागज पे तो महागठबंधन ऐसा लग रहा है जो 40 का 40 सीट जीत जाएगा, बिल्कुल, और इस तरह से गोलबंदी की गई है जो इसे लगता है जो एकदम आराम से सब जीत जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं दिख रहा है जमीनी स्तर पर। हाँ अब क्या लगता है जो मल्ला वोट केवल मुकेश सहनी के कहने पर महागठबंधन को जा रहा है जी। ऐसा वो कभी मुगालते में नहीं रहे, अभी तो कुछ क्षेत्रों में हुआ है महागठबंधन के पक्ष में बड़ा वोट, क्या जो हम लोग के पास जो सूचनाएँ आई जो समस्तीपुर उजियारपुर में आराम से एनडीए को ही पड़ा है वोट अच्छा खासा संख्या में। झा जी एक बात और है कि राजभूषण निषाद के साथ बाहरी का भी टैग लगते हुए दिखा है, बहुत सारे वहाँ के जो मतलब जनता है उनके द्वारा ऐसा कहा भी जा रहा था कि राजभूषण निषाद वहाँ के नहीं, वो बाहर से आए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ ये बात तो मतलब इसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि अजय निषाद वैशाली के रहने वाले हैं, वैशाली और मुजफ्फरपुर में ज़्यादा का नहीं है, मुश्किल से 20-22 किलोमीटर का अंतर है, तो इसीलिए अजय निषाद को लोग लोकल मान रहे हैं। अब लोकल और बाहरी का क्या कहना है, अब महाराजगंज में भी जो प्रत्याशी हैं या कहीं कहीं खगड़िया में है प्रत्याशी जी। अब कहें तो ये अनीता महतो जी, तो क्या वहाँ के लोकल थी वो, उनका मायके है यहाँ मोकामा बख्तियारपुर, लेकिन उनको टिकट दिया गया आरजेडी का, तो ऐसा नहीं है। अब मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के कुचाई काट के रहने वाले हैं, वहाँ विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, बीजेपी उनको वहाँ से बक्सर से टिकट दे दिया है, तो अब यहाँ बाहरी और भीतरी का अब यहाँ नहीं रहा। अली अशरफ फातमी दरभंगा के रहने वाले हैं, मधुबनी से लड़ रहे हैं जी। तो इसीलिए ये बाहरी भीतरी का अब यहाँ चक्कर नहीं रहा, यहाँ के टिकट लेना है जी। अब एक चीज़ जान लो,
एक बार के चुनाव में पटना लोकसभा क्षेत्र के फुलवारी शरीफ से खड़ा होने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी संजीव प्रसाद टोनी को कांग्रेस ने दे दिया था हाजीपुर से रामविलास पासवान के खिलाफ लड़ने के लिए। अब कहाँ गंगा पार करा दिया, इसीलिए अब वो पार्टियों में अब वो टैग नहीं रहा जो बाहरी और भीतरी, बस प्रत्याशी कैसा होना चाहिए मजबूत है, जात देखा है, क्योंकि टोनी भी उसी जाति से जिस जात से रामविलास पासवान, तो इसीलिए अब यहाँ पे जात, यहाँ पे राजनीति में बिहार में जात महान है। अच्छा, जब से मुकेश सहनी मतलब महागठबंधन में जुड़े हैं तो इसका कुछ खासा असर दिखेगा क्या वहाँ पे मुजफ्फरपुर में? जी मुजफ्फरपुर में तो मुकेश सहनी दिखेगा, वो तो अब 4 तारीख को चलेगा पता, जो असर दिखा कि नहीं दिखा। जो अजय निषाद अगर जीत जाएंगे तो उनका असर दिखा जी, और राजभूषण जीत जाते हैं तो उनका असर नहीं दिखा, नहीं दिखा। ये इसका तो उसी से अंदाजा लगा सकता है, लेकिन अभी तक का जो हम लोग के पास फीडबैक है, मतलब जिस जिन कारणों से और जिस लिए तेजस्वी उनको घुमा रहे हैं वैसा दिखता नहीं, मतलब हम लोग नहीं दिख रहा है। शुरुआत में इतना जो मतलब भौकाल दिखा जा रहा था कि मतलब वो लगातार मतलब जनसभाएं कर रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी तौर पर अगर बात की जाए तो उससे कुछ खासा इफेक्ट पड़ते हुए नहीं दिख रहा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब हम लोग को नहीं दिख रहा है, जो हम लोग के पास फीडबैक आ रही है जी, वोटर्स के द्वारा वहाँ के लोकल के, क्योंकि हम भी दरभंगा से बिलोंग करते हैं, दरभंगा में मछुआरों का काफ़ी खासा तादाद है, उसके बगल में समस्तीपुर है, उसके बगल में उजियारपुर है, तो इन सब इलाकों में उस तरह से वोट मतलब नहीं पलट सके, सेनवारी नहीं कर सके मुकेश सहनी अपने ही वोट में, तेजस्वी के लिए वो फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको फील्डिंग के लिए लाया गया था। तो जैसा कि भी आपने सुना कि झाजी के विश्लेषण में झाजी ने किस तरह से बताया कि मुजफ्फरपुर सीट पर दो मल्लाहों के बीच की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होते हुए दिख रही है, लेकिन अभी हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो भी आखिरी जो मतलब रिजल्ट आएगा वो 4 जून को हमारे सामने होगा। तब तक के लिए आप अपना जो भी कमेंट है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।